होमवर्क हो गया था, आंसर भी आ गया था, ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मुझे ऐसा लग रहा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में भी क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 49, तो बच्चों का कहना है कि प्लीज सर आज जल्दी क्लास ओवर कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, चलो जितना क्वेश्चन हो सकता है बना लेते हैं, हमारे पास है 2 घंटे, आप जब बोलोगे बस जितना कोशिश करते हैं। हाँ बहुत ठीक है, सफिशियंट। उसके बाद जो पढ़ते हो ऐसे भी उसकी कोई एफिशिएंसी नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 तैयार हो? और लोग कहाँ हैं? चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मिल गया क्वेश्चन नंबर 49, पढ़े क्या? तो क्या करना है सर, ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना है और न्यू मशीन खरीदना है। ओल्ड मशीन बेचना है, न्यू मशीन खरीदना है। और न्यू मशीन कितनी अवेलेबल है आपके पास? तो अभी तक आप ओल्ड बेचते थे न्यू खरीदते थे तो एक ही रहती थी, बोले अब दो दो है। वाह, इस टाइप का ऐसा कुछ किया था, इस टाइप का किया है कि नहीं किया है? एक मॉडर्नाइजेशन वाला किया था, मॉडर्नाइजेशन। और यहाँ दो दो मशीन है, दोनों का कॉस्ट कितना है? 5 लाख, और इसका भी 5 लाख। सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज 1 लाख। भाई कोई भी खरीदो, ए खरीदो चाहे बी खरीदो, इसको तो बेचेंगे कितने का? 1 लाख का। द यूटिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेज मॉडल ए। कोई मशीन है, इसका नाम क्या है? ओल्ड, और इसमें कुछ यूटिलिटीज लगती है, कुछ पार्ट्स हो गया, ग्रेस ऑयल वगैरह, ऐसी यूटिलिटीज है। बोले इसको यूज कर सकते हैं, ये मशीन तो बेच नहीं है, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। द यूटिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज इफ द कंपनी परचेज मॉडल ए। एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेस इन दिस केस विल बी ₹1 लाख। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा ऐसा कहां लिखा है? बी कहां से ला दिया, बस इतना बता। अच्छा, हर बात क्या लफ्जों में कहना जरूरी है ऐसा? एग्री। आगे एक लाइन और पढ़ते, इफ द कंपनी परचेज बी देन ऑल द एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज विल हैव टू बी रिप्लेस विद न्यू यूटिलिटीज कॉस्टिंग ₹2 लाख। हाँ अब फिर से बोलो, मुझे यहां से प्रॉब्लम है। कहां से? यहां से एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेस इन दिस केस विल बी ₹1 लाख। मतलब किसकी? हाँ उसका कहना है भाई ये आप यूज कर लीजिए, पर इससे भी काम नहीं चलेगा, और भी खरीदना पड़ेगा, और कितना लगेगा? 1 लाख। अब ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ? इफ द कंपनी परचेस बी देन ऑल द एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज, ये वाला काम नहीं आएगा, आपको नई यूटिलिटीज खरीदनी पड़ेगी, कितने की? 2 लाख। इसका क्या करें? ऐसा आगे लिखा है, द सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटीज कितना लिखा है? 0.2। ये पैसा जाएगा क्या? ये क्या है? ध्यान से, ये मशीन खरीदोगे, ओल्ड मशीन को बेचोगे, ये यूटिलिटीज खरीदोगे, ये सब पैसा जा रहा।
फिर से करते। अच्छा ये आउटफ्लो, तो आउटफ्लो आउटफ्लो का बाहर दिखा रहे हो, ठीक है। और 0.20 क्या है? ब्रैकेट में, ठीक। ये तो काम हो गया आज का। लिखा दी अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब CFAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब, अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब PBT के PAT। पर ये कैश फ्लो लिखा हुआ है, कैश फ्लो लिखा मतलब CFAT ही होगा ना यार, कैश फ्लो लिखा CFAT दे रखा। ये कौन सी मशीन का A, ये कौन सी मशीन का B, और ये कितना 15%। सेल्वेज वैल्यू भी है, अगर A खरीदते तो कितने का बिकेगा 50,000, और ये कितने का 60,000। और डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना है 15%, उसी का तो फैक्टर दिया है। कंप्यूट फॉर टू मशीन सेपरेटली NPV, डिस्काउंटिंग, पे बैक पीरियड एंड डिजायरेबिलिटी फैक्ट, एंड बताना कि कौन सी मशीन सेलेक्ट करें। सिंपल है, करेंगे कैसे? गुड, पहले फॉर्मेट, तो सवाल ये फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, वो 4 कॉलम, ये भी ठीक है, पहले सोचते हैं। अब लिखेंगे कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो में कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 5 लाख, 5 लाख सेपरेटली का मतलब है इनका, इनको नेट करके मत बता देना, सेपरेट मतलब इसका अलग इसका अलग। ये आपका ओपिनियन था, मेरी बात सुनो, सेपरेटली का मतलब दो टेबल बनाना, ये नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था यार, मशीन बी से कितना आ रहा 2, मशीन से ए से एक्स्ट्रा कितना 1, ऐसा करके भी कर सकता था नेट करके। बोला नेट करके मत बताओ, एक का सेपरेट बताओ, इसका सेपरेट, सेपरेट का मतलब दो टेबल नहीं हुआ, हम एक ही टेबल में बनाएंगे जुगाड़ लगा के, ठीक। रुक जाओ, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन हुआ, ठीक, सेल ऑफ ओल्ड मशीन हुआ, ये भी ठीक है, ये सब कुछ हो गया। नीचे वाला, ऊपर वाला तो आ गया इंक्रीमेंटल कैश आउट। अब बात करते हैं नीचे वाले की, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो निकालते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंटल नहीं CFAT, नहीं अब बात कैसे पहुंच गए, मैं भी वही हूँ। इंक्रीमेंटल CFAT कैसे निकालोगे, अलग हो जाओ सर, वर्किंग नोट बनाएंगे, ये भी अच्छा है। अच्छा वर्किंग नोट में क्या लिखोगे, मैं वही तो अच्छा इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, सवाल ये है यार, आज तक हम इंक्रीमेंटल CFAT कैसे निकालते थे, CFAT ऑफ ओल्ड नहीं, CFAT ऑफ न्यू माइनस CFAT ऑफ ओल्ड, ये CFAT किसका है, न्यू का, इसमें से माइनस क्या करेंगे, ओल्ड का नहीं दिया, बस इसलिए हम माइनस नहीं कर, अगर दिया होता तो माइनस करते, बस यही सुनना चाहता था, बाकी और कुछ। तो अब वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, है ना, हाँ हाँ नहीं, उसका यूज नहीं है, वो यूटिलिटीज का मतलब जो पार्ट बचा था वन टाइम है, तो वन टाइम है, या तो आप नीचे दिखाओ या तो ऊपर दिखा दो, एक ही बात, ठीक है, आया समझ में? अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब ये, अर्निंग आफ्टर टैक्स को क्या बोलेंगे, EAT की CFAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। चलो तो फिर हम क्वेश्चन,
CFAT, CFAT. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. क्या रुपीज इन लैक्स में क्वेश्चन बनाना है कि जीरो जीरो लगाना? जीरो जीरो लगा अच्छा लगता. हेलो. यस सर. सबसे पहले क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. कब लग रहा है पैसा? आज. वन कितना? 5 लाख. 5 लाख और 5 लाख और 5 लाख. सेल ऑफ ओल्ड मशीन कब बेचोगे? आज. उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा कि नहीं? नहीं दिया. डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया है ना टैक्स? आना यार, क्यों डरा रहा है? कितना माइनस करोगे? आगे इसमें भी 1 लाख. यूटिलिटीज, एडिशनल यूटिलिटी. जीरो, वन, ये देखा. एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेज इन दिस केस विल बी रुपीज 1 लाख. मतलब किसकी बात हो रही है? ए. अब मशीन बी खरीद रहे हो, कितने की लगेगी? 2 लाख. ओल्ड यूटिलिटीज जो रखी है उसको बेच देंगे. जीरो,
कितने का बेचोगे? बेचोगे तो पैसा आएगा। अस्सी हजार किधर से आके? दोनों से कर दिया क्या? चाय भी नहीं जरूरी। अच्छा कितना आ रहा है? 5 लाख पक्का ना? अस्सी। देखा अभी क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, कोई बात इसलिए पॉइंट नंबर भी। अब क्या करेगी? इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस। इंक्रीमेंटल सीएफपीटी कितने साल तक? 1 2 3 4 5 फैक्टर 0.870 0.756 6 5 8 5 7 2 4 9 7। ठीक है, इंक्रीमेंटल सीएफटी बोलो। तो इंक्रीमेंटल मतलब सीएफएटी ऑफ न्यू मशीन माइनस सीएफएटी ऑफ ओल्ड मशीन, ऐसा होता है। हाँ, तो यहाँ कितना आएगा? 1 लाख। एक लाख आगे बोलो। 1,50,000 1,80,000 2 लाख 1,70,000 2,02,10,81 2,10,000 1,80,000 1,70,000 और 40,000 कितना आया एनपीवी? कितना आया आप लोगों का? हाँ जी, हाँ जी, ₹87,000 113,400 118,440 114,400 8,449 गुड, पर उसमें कुछ और आएगा। सैलवेज भी तो आएगा ना यार। 10,000 इनटू
1,18,400। एक चीज और आएगी सेल्विस, मशीन ए कितने की बिकेगी बता सकते हो? और बी टू फोर एट फाइव जीरो, 29820 टोटल मारते। कितना 542580। फाइव फोर टू फाइव एट जीरो माइनस 5,00,000, तो ये आ गया 42580। कौन सा मशीन परचेस करें? ए इसका एनपीवी ज्यादा हो, मशीन ए इज बेटर ड्यू टू हायर एनपी। डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड निकालना, डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड होता क्या था? हाँ मतलब ये जो 5,00,000 रुपए लग रहा है वो कितने पीरियड में रिकवर होगा, तो क्यूमुलेटिव हमको इसको करना होता है कि इसको करना है? इसको करना है, ठीक। ऐसे करते हैं, निकालते हैं, अलग अलग करना, अलग अलग कर सकते हो, एक साथ करना, एक साथ कर सकते हो। हमको तो ये वाला कैश फ्लो लेना है, बात कर दो। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड मैं अलग अलग कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मैं मशीन ए का बना लूंगा तो आप मशीन बी का बना लोगे आराम से। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ईयर
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, फिर क्यूमुलेटिव फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है 87,000, तो टोटल कितना हो गया यार 87,000, सेकंड में 113,400, तो ये कितना गया 200,400, थर्ड ईयर में 118,440, थ्री 188,400, फोर्थ ईयर में 114,400, पांचवे साल में 109,340, जादू है हम भी जानते हैं कि पांचवे साल का ये दोनों है तो इन दोनों को ऐड करके लेंगे। इन दोनों को ऐड करके आएगा, कहीं लिख लेना, पता लगा कि खुद ही पद को नहीं मालूम कहां से आया। कम से कम कितना साल लगेगा, 4 साल, ये पता लग रहा 77 कहां से आए। हमें चाहिए 5,00,000, ऑलरेडी ये निकल चुका है तो बचा हुआ जाए। फोर पॉइंट सिक्स वन ईयर्स, और मशीन बी का कितना आया, अच्छा अभी तक निकाला नहीं मशीन बी। ये गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं, मतलब मैं गलत भी लिख सकता हूँ क्या बोल। मशीन ए का कितना आया था पे बैक पीरियड डिस्काउंटिंग 4.61 ईयर, 4.63 ईयर्स, याद रखना कि उसमें 5,00,000 नहीं जा रहा, 5,80,000 आना। हे भगवान, बहुत हंस रहे थे ना बच्चे। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है आपका, 4.6।
अभी भी नहीं आ रहा 4.63 ऐसा बोल रहा है इनका, पता नहीं इनका 3.5 ही आ रहा है। हाँ देख लेते हैं, इसको ले रहे हो कि इसको ले रहे है? इसको ये वाला ना सेकंड आ गया बताओ। फिफ्थ ईयर का दोनों ऐड करके लेना, पर ये फिफ्थ ईयर तक तो क्या बोले, अच्छा क्या बोला कि बिल्कुल समझ में आ गया एक बार में, जरा बताओगे क्या गलती हुई थी? सैलवेज वो तो फिफ्थ ईयर में पहुंची नहीं, पांच, अच्छा मैंने ठीक से लिखा नहीं था क्या? अच्छा आप भी 5 लाख किए थे क्या? आप भी बाकी मन की बात समझ ली। पेबैक पीरियड के हिसाब से कौन सा मशीन खरीदोगे जिसका ज्यादा इसका कम हो? मशीने मशीने इज बेटर। और कुछ मांगा है क्या इस क्वेश्चन में? डिजायरेबिलिटी फैक्टर नहीं, डिजायरेबिलिटी फैक्टर ये क्या चीज है? पीआई, डिजायरेबिलिटी फैक्टर को प्यार से बोला जाता है पीआई, एक नया नाम मिला आपको। अच्छा पीआई का फॉर्मूला देख रहे हो क्या? अच्छा लिखने जा रहे हो क्या? लिखने जा रहे हाँ हाँ पीआई का फॉर्मूला पता है? फाइव फोर टू फाइव एट जीरो डिवाइडेड बाय 5 लाख तो कितना आ गया है? 1.085 और मशीन बी 598190 डिवाइडेड बाय 5 लाख लिख देंगे बच्चे गलती से। इस हिसाब से भी कौन सी अच्छी? ए पूरा 1 घंटा लगा दिया आपने एक क्वेश्चन का, लगभग 15 मिनट को इग्नोर किया जाए तो लगभग 1 घंटा लगा दी।
ऐसा है, सुनो, इस अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था, इस अटेम्प्ट में 10 नंबर का, और मैं जानता हूँ कि क्वेश्चन टफ आया था और आप भी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत लगे, पर मैं आपकी हिम्मत देखना चाहता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, मैं आपकी हिम्मत देखना चाहता हूँ, ठीक। तो ये क्वेश्चन था एग्जाम का, अच्छा क्वेश्चन था, सीरियसली अच्छा क्वेश्चन। एक तो डेप्रिसिएशन वाली बात अच्छी और एक हो सकता है वर्किंग कैपिटल, बाकी ये चीज, ये पॉइंट अच्छा दिया था और डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट अच्छा दिया। एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं और इसका आंसर भी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको वो कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। एक बार कोशिश ये रहेगी कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक। एक बार रीड करते हैं, आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन स्टडी मैट, क्वेश्चन नंबर 53। बस आप मुझे बताना कि कैसे करना। लिखा केमिकल कंपनी इज प्रेजेंटली पेइंग एंड कभी आपने कॉस्ट में तो एक्सपर्ट लोग, प्रेजेंटली पेइंग एन आउटसाइड फर्म ₹1 per gallon टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एट नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी द वेस्ट इज अबाउट 50,000 gallons per year। कॉस्ट में एक फर्दर प्रोसेस करके वो था टॉपिक, तो अभी आप क्या कर रहे हो, बोले हमारा वेस्ट जो है उसको हम डिस्पोज ऑफ करवाते, तो उसको फिकवाते और उस फिकवाने का खर्चा कितना है, ₹1 per gallon, तो टोटल मिलाकर आपको कितना खर्च हो जाता है, ₹50,000। ये खर्च हर साल होता होगा। After spending 60,000 on research, research करवाया गया, कितना खर्च कर दिया गया, 60,000। उसके बाद पता लगा कि आप इस वेस्ट को सोल्ड कर सकते हो कितने रुपए में, ₹10, if it was processed further। It means question बड़ा सिंपल है, वो बोल रहा है बताइए फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना, ये बोल रहा हूँ, कितने में बेच सकते हैं, ₹10। अगर 50,000 gallon ही होगा तो 500,000 आ जाएगा, ठीक है। एडिशनल प्रोसेसिंग वुड हाउएवर रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, 600,000। ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक। और लाइफ कितनी है, 10 साल। और सैलवेज दिया गया, कुछ सैलवेज है, 0। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, चलो ये बातें तो हमारी समझ में आती है, आगे चलते। एक्सेप्ट फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजिंग 20,000 per year, नो चेंज इन द प्रेजेंट सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मैं सोचा रिकॉर्डिंग चालू नहीं है तो बच्चे जो नहीं आ रहे वो तो गोली मार देंगे, पर 20,000 रुपए का खर्च हो रहा है। अगर प्रोडक्ट बनाकर बेचते तो सिर्फ और सिर्फ एक ही खर्चा, बाकी खर्चे नहीं हो रहे, जैसे थे वैसे है। कौन सा खर्चा है बोल रहा, सिर्फ एडवर्टाइजिंग का कितना रुपए खर्चा है, बाकी सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह कुछ एडिशनल इनकर्ड नहीं हो रहा, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, 20,000 रुपए खर्चा आएगा हर साल। आगे चलते, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 5, तो 10 में से 5 वैसे ही माइनस कर देंगे, ₹10 सेलिंग प्राइस। और फिक्स कॉस्ट कितना है, 30,000 भी माइनस कर, ठीक है। और इसके अलावा और एक खर्चा हमने पहले ही पढ़ लिया, कौन सा, एडवर्टीजमेंट का, कितना रुपए, 20,000। देयर विल बी नो लॉस इन प्रोसेसिंग, ठीक है, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है,
इट इज एज्यूम दैट टोटल वेस्ट प्रोसेस इन अ गिवन ईयर विल बी सोल्ड इन द सेम ईयर, ठीक है, और कितना प्रोडक्ट बनाओगे बोल रहे पूरा 50,000। तो एक बार रफली कर ले कि यार 50,000 बनाकर बेच रहे हो तो 50,000 इंटू 5 2,50,000 रुपए हमारा हो गया क्या कॉन्ट्री है ना यार, कॉन्ट्री माइनस क्या करूंगा 50,000 किस चीज का। अच्छा आप एक साथ जोड़ लिए, मैं प्यार से कर रहा था, चलो फिर 30 और 20 कितना हो गया 50 तो यहाँ कितना गया टोटल, और ये 50,000 क्या चीज है, मतलब पैसा बचेगा, मतलब 2,50,000 में ऐड कर देंगे, मतलब 2,00,000 में ऐड कर देंगे ना, 50,000 रुपए जो दे रहे थे वो बच रहा है, तो मतलब यहाँ इसमें ऐड कर देंगे ना, ये हमारा फायदा ही तो है, तो 50,000 भी क्या है ये फायदा, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 2,50,000। सी एफ बी टी डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, और टैक्स का रेट दिया होगा तो सी एफ बी टी निकल जाएगा, हर साल का अलग अलग आएगा कि हर साल का एक जैसा आएगा, एक जैसा ही है, यहां तक पढ़ लिया था। द मैनेजमेंट व्हेन कॉन्फ्रंटेड विद द चॉइस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इट फर्दर एंड सेलिंग इट, आपसे एडवाइस मांग रहा है कि क्या किया जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लेना है 15% और टैक्स का रेट कितना लेना है 50%। यार क्वेश्चन में तो कुछ खास बात नहीं है, और कुछ है क्या, बस खत्म हो गया कितना ही क्वेश्चन हो सकता है क्या। अच्छा ये 60,000 का क्या होगा, ठेला खर्च, ठेला किस चीज का, मतलब मशीन खरीद लिया है कि खरीदोगे, और मैंने रिसर्च भी करी है, किया कि करने वाले हो, कर लियो ना आप। अच्छा पहला करंट ईयर में क्यों, सुनो ना बच्चे सुनो ना, सिंपल सी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, पैसा कितना लग रहा है 6,00,000 मान, 6,00,000 मान लिया, और मैंने पीवीसीआई भी निकाला और पीवीसीआई आया 6,10,000, मन से लिखा हूं, बोलो एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट, अभी एक्सेप्ट, 10,000 पॉजिटिव है, फिर याद आया सर 60,000 उसको कैसे, चलो वो 60,000 भी तो खर्च हुआ है ना आपका, तो 60,000 भी कहाँ लिखना चाहिए मुझे, यहाँ 6,00,000 की जगह क्या लिखना चाहिए 6,60,000, अगर यहाँ 6,60,000 लिखता हूं तो माइनस में आ जाएगा ना यार एनपी, तो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ हाँ, तो 60,000 कौन सी कॉस्ट है, संक कॉस्ट, कभी पढ़ा है ये शब्द, इरेलीवेंट, डिसीजन मेकिंग में काम आएगा ही नहीं, वैसे भी याद करो कि एग्जांपल मैंने रूम किराए से लिया था, किराया दे दिया था, वही तो है, वो किराया क्यों माइनस कर, बात है ये तो रिसर्च हो चुका है, शब्द लिखा है, हाँ ये रिसर्च आप बाद में कर रहे होते और पूछा जाता कि करना है कि नहीं, वो खर्चा नहीं हुआ होता तो फिर शायद यहाँ, फिर हम यहाँ पक्का पक्का ले लेते, तो 60,000 हमारे लिए क्या रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट, इरेलीवेंट, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, हाँ हाँ जी हाँ जी, 6,00,000 डिवाइडेड बाय 10, सैलवेज है नहीं है, क्वेश्चन तो बड़ा ईजी हो गया यार, होमवर्क, और इसका आंसर मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा क्योंकि इसका आंसर मेरे पास है, हालांकि आप भी आईसीएआई का स्टडी मैट चेक करोगे तो आपको लास्ट क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें। अच्छा सीधा आंसर बता रहे हो, सीएफबीटी डेप्रिसिएशन माइनस करो 60,000, एक बार कैलकुलेटर में बनाते मजा आएगा, 30,000 30,000 ना, कितना 2,50,000 में से माइनस कितना कर दिया 60,000, तो बचा कितना 1,90,000 का 50% 95,000 माइनस 2,50,000
एक पचपन इंटू 5.019 माइनस 6 लाख कितना अभी मैं बता रहा हूँ, अभी बात खत्म कर ले यार बात सुनो पर मल्टीपल और ये क्वेश्चन है M6 इंसल्ट कर रहे हो क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटर में बना रहे हो गलत बात है हे भगवान मुझको क्या सर्च करना हाँ ये भी तो है आंसर सही होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल वेस्टिंग बोला जाता सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला था मॉड्यूल 2 में आंसर कितना आ रहा था आपका लास्ट ही क्वेश्चन वन 77945 लिख लो आंसर 1719 45 ये घर में जाके बनाना है ना ठीक है अच्छा क्वेश्चन है देखने में ऐसा लग रहा है कि यार कुछ होमवर्क कॉपी में होमवर्क नहीं क्लास वर्क में बनाना है बाकी आज की क्लास ओवर कर रहे हैं हम लोग